इंदौर से सबसे बड़े गणेश जी मुंबई में विसर्जित होंगे, जिसको लेकर पालदा के राजा के नाम से जाने जाने वाले गणेश उत्सव समिति द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। मनोज वर्मा मित्र मंडल द्वारा यह आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है। दिनी महोत्सव के बाद में गणेश उत्सव का समापन हो गया। घरों से लेकर सार्वजनिक पंडालों में विराजित गणेश जी की प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। सब तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इधर नदी और तालाब में पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए निगम ने 100 से अधिक स्थानों पर अस्थायी कुंड बनाकर तैयार किए थे। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से गणेशोत्सव के बाद में गणेश प्रतिमा को जलमग्न करके उसे ठंडी कर दिया जाता है, लेकिन पानी के प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्ती कर दी है। इधर नगर निगम ने विकल्प के तौर पर 100 अस्थायी कुंड बनाए हैं, जिसमें 11 नदियों का जल रखा गया है। इससे आम जनता की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचे और परंपरा का विधिवत निर्वाह भी हो जाए। सुबह से उन कुंडों पर गणेश प्रतिमा ठंडा करने का सिलसिला शुरू हो गया था। कामकाजी लोगों ने सुबह से ही पूजन करके गणेश प्रतिमाओं को निगम को सौंप दिया। विश्व में पूरे 33 करोड़ देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश देवता है, और इन गणेश देवता पूरे विश्व में भी हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि भारत में हमारा जन्म हुआ, और भारत में भी माँ अहिल्या की नगरी इंदौर जैसे भूमि में, परम पवित्र नगरी में हम लोग आकर पालदा जैसे पवित्र शक्तिशाली आशीर्वाद प्रदाता ऐसे गणेश भगवान के पालदा के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। गणेश मनुष्य के जीवन में यही संदेश देता है कि जिन्होंने अपने माता पिता की एक परिक्रमा की तो प्रथम देव बने, तो आज के युवाओं को, कलयुग के लोगों को जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, अपनी माता पिता की बात नहीं मानते हैं। संत तुकाराम नामदेव पहले यही कहते हैं कि जे सर्व तीर्थ की धुरी जे का माता पितरी। जीवन में गणेश भगवान से प्रेरणा लेना चाहिए। मुझे लगता है गणेश भगवान को पुष्प, हार, फूल, माला, प्रसाद न चढ़ाए, गणेश भगवान ने क्या किया उसको देखना चाहिए। भगवान तो ये कहते हैं कि मुझे किसी भी बाह्य जगत के संसाधनों की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो करो, वो मेरा भक्त है। ये भगवान स्वयं अनपेक्ष, सुचिर दक्ष, उदासीन गतवेता, सर्वारम्भ परित्यागी, यौमद भक्त समय प्रिया। भगवान कहते हैं मैं उस भक्त से प्रेम करता हूँ जो मैं कहता हूँ वो करते हैं, वो चढ़ाते उसका कोई महत्वपूर्णता नहीं मानी जाती है। देखिए आज 10 दिवस से पालना के राजा के नाम से जाने श्री गणेश जी की हम विसर्जन करने बॉम्बे ले जाया जा रहा है। आज सबसे खुशी का विषय ये है कि स्वामी उत्तम स्वामी जी स्वयं काफ़ी दूर से यहाँ पे पधारे और उन्होंने पूरे चल समारोह में भाग लिया इतनी बारिश में, और गणेश जी के विसर्जन के लिए वो बॉम्बे जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही अच्छा विषय यह रहा है कि इतने बारिश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है इंदौर शहर में भी और हमारे पालदा के राजा में कोई समस्या नहीं आई है। इसके लिए मैं गणेश जी से बहुत बहुत प्रार्थना करूँगा कि ऐसे बारिश तो गिरे और सभी समस्याएँ ना रहे। और इस वर्ष आज विसर्जन है भगवान श्री गणेश जो प्रथम रूप में जाने जाते हैं उनका, तो हम सब बॉम्बे इन्हें मालदा के राजा को ले जा रहे हैं और वहाँ पर उनका विसर्जन करेंगे।